हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज आपके लिए बहुत सुंदर सा इजी सा प्यारा सा पैटर्न लेकर आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, छोटे छोटे पफ जैसे। इसको बनाना बहुत इजी है। रॉन्ग साइड से ऐसे दिखता है, राइट साइड से ऐसे। ये 6 के मल्टीपल पे चलता है, प्लस 3 प्लस 4, मतलब दो तरफ दो एज से चलेंगे इसलिए। और 3 फंदे पैटर्न को इक्वल करने के लिए होता है, तो यहाँ पे हमने 25 फंदे लिए। इस पे हमने आपको दिखा रहे हैं, इस पे हमने 25 फंदे लिए हुए हैं पैटर्न को शुरू करने के लिए। तो देखिए कैसे बनाना है इसको। ये एट रो का रिपीट पैटर्न है। 8 रो में ये पैटर्न बन के आपका तैयार होता है। देखिए 4 रो में एक बबल तैयार होगा, दूसरे में इस तरह से। ये न्यू तरीके से बबल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न डिज़ाइन भी डाल, इसमें हमने 25 फंदे लिए, 6 × 3 = 18, हाँ, और 3 = 21, 4 = 25, ठीक है। तो शुरू करें। फर्स्ट फंदा को स्लिप करेंगे 1 एज स्टिच और बनाएंगे। देखिए हमने आपको पहले बताया था ना कि 2 एज स्टिच होंगे, 1 ये और 1 ये। अब क्या करेंगे हम, 1 2 3, 3 फंदे को हम स्लिप करेंगे और 1 2 1 3, 3 फंदे को हम बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 एज स्टिच हमने पहले बोला कि 2 एज स्टिच रहेंगे और 3 फंदे को हमने स्लिप किया, 3 और 3 हमने बुन लिया, तो 6 हो गए। और 2 एज स्टिच पहले भी बता चुके हैं कि रहेंगे, तो 3 हमने यहाँ पे बुना है। अब एक बार देखिए, 3 और स्लिप करेंगे और 3 को और बुन लेंगे, 2 1 3 हो गए। और फिर 3 हम स्लिप कर दिए, 3 को बुन लिए, एक बार और 3 को हम स्लिप कर देते हैं और 2 एज स्टिच इधर भी आ गए हमारे, जैसा कि हमने आपको बताया था। उल्टी साइड में क्या करना है, आपको फर्स्ट फंदा स्लिप करना है और इसको उल्टा बुनना है। ये 3 फंदे हमने स्लिप किए थे, तो इस रो में भी स्लिप होंगे, 1 2 और 3 बुने जाएंगे, 1 2 3 स्लिप किए जाएंगे, 1 2 3 बुने जाएंगे और 3 स्लिप किए जाएंगे, 1 2 3 लास्ट में हम आ गए। एक बार और कर लेते स्लिप, 2 3। अब ये 2 एज स्टिच को बुन लेते। अब आइए इसकी थर्ड रो पे क्या करना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, 1 एज स्टिच को बुन लेंगे, 2 एज स्टिच हो गए। अब धागा को ऐसे जाली की तरह लपेट लेंगे। अभी जो 3 फंदा है ना, 3 फंदा को हम 1 फंदा बना देंगे बैक साइड से, 1 हो गया, 3 फंदा का 1 हो गया, 1 जाली हमारी यहाँ पे और 1 जाली और डाल लेंगे और 3 सीधे बना देंगे, 1 2 1 3। एक बार और जाली को डालेंगे ऐसे, और ये जो स्लिप किए हुए 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को हम 1 फंदा बनाएंगे,
एक बार जाली और डालेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक बार जाली और तीन फंदे का स्लिप वाले तीन फंदे का हम बैक साइड से एक कर देंगे। देखिए एक हो गया। एक बार जाली और डाले और तीन फंदे हम सीधे बुन लिए, जो बुना हुआ फंदा था उसको तीन फंदे को सीधे बुन लिए। एक बार और जाली डालेंगे, लास्ट वाले तीन फंदे को एक बार एक फंदा बना लिया, जाली और एक को सीधा बना लिया और ऐसे से सीधा हो गया। रॉन्ग साइड में देखिए पूरी रो इसकी उल्टी बुनी जाएगी, पूरी रो। जाली वाला फंदा देखिए बड़े आराम से आपको देखिए फोर रो में आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बन गया है। अब हमको यहाँ बनाना है और यहाँ बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे बनाना। फिफ्थ रो में क्या करेंगे हम, फिफ्थ रो में एक एज स्टिच, दो एज स्टिच आपको बताया था, दो एज स्टिच बुनेंगे। अब तीन फंदे सीधे ही बुन लेंगे, तीन। अब इस तीन फंदे को हम स्लिप कर देंगे, तीन फंदे को स्लिप कर लिया, तीन फंदे सीधे बुन लिए। तीन फंदे को स्लिप कर लिए, तीन फंदे सीधे बुन लिए, तीन फंदे को स्लिप कर लिए, तीन फंदे सीधे, दो एक तीन। और ये जो एज स्टिच है इसको भी सीधा बुन लिया, इसको भी सीधा बुन लिया। आ जाइए फिफ्थ रो पे। फिफ्थ रो में हम क्या करेंगे, एक उल्टा और ये तीन उल्टे हो जाएंगे और ये तीन फंदे हम फिर से एक बार स्लिप कर लेंगे, दो तीन। देखिए तीन को हमने स्लिप कर लिया, तीन को हम उल्टा बुन लिए, तीन को हम स्लिप करेंगे, तीन को उल्टा बुनेंगे एज स्टिच जो दो हैं उनको भी इसी तरह से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक एज स्टिच
दो एज स्टिच हो गया। अभी एक दो तीन सीधे बुने जाएंगे, जाली। अब तीन फंदे को बैक से हम एक फंदा बनाएंगे, जाली, फिर तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे। एक बार और जाली, तीन फंदे को एक बना देंगे। जाली डालेंगे और तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे। फिर एक बार जाली, तीन फंदे का एक फंदा बना लेंगे। फिर जाली, तीन फंदा सीधा बुन लेंगे। और जो दो एज स्टिच है इसको भी सीधा बुन लेंगे। आ जाइए इसकी एक रो पे, पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। जाली वाले फंदे को ऐसे बुन लेंगे, ऐसे करके बुन लीजिए। आपको आराम से जैसे भी अच्छा लगे बुन लीजिए। मुझे ऐसे पसंद आ रहा, मैं ऐसे बुन रही हूँ। लास्ट का फंदा ऐसे बुन लिए। देखिए एक रो में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से तैयार हो गया। ध्यान से देखिए, आगे बनाते हुए जाएंगे तो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। तो लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।